brought to you by Techno Camon 30 series. लोकतंत्र में एक ही हक सेक्रेड होता है अकॉर्डिंग टू मी, मत देना. उस मत के आधार पे सरकारें चुनी जाती हैं, प्रत्याशी चुने जाते हैं. अगर उसमें कोई धांधलेबाजी हो, उसका कोई उल्लंघन हो, किसी की वोट डिलीट कर दो आप. और ऐसे मैंने एक उदाहरण दिया कि एक महिला की वोट डिलीट हो गई और वो बेचारी पता करती रही कि क्यों डिलीट हुई, तो पता चला कि भाई किसी ने बताया कि वो तो उसकी तो देहांत बरसों पहले हो गया था, तो इसीलिए डिलीट हो गए, नाम डिलीट हो गया. फिर पता चला कि किसने किया ये, तो एक किसी ने याचिका डाली कि वो तो उसका तो देहांत हो गया है विदाउट अ डेथ सर्टिफिकेट, विदाउट एनीथिंग. तो इसका मतलब कहीं धांधलेबाजी है. और वो हक छीनना किसी का, मिनिमम सजा 3 साल होनी चाहिए. और हमने कई उदाहरण ऐसे देखे हैं कि जो पुलिस फोर्स है किसी प्रदेश की, वो लोगों को घरों से नहीं निकलने देती. हाँ, या लोग डराते हैं, कुछ ऐसे दल के लोग हैं दूसरे लोगों को डराते हैं कि अब मत देने जाओगे तो आपका ये कॉन्सिक्वेंस ये होगा, आपका नतीजा ये होगा. फिर तो ये बहुत ही एक गंभीर सवाल है और इसको हमें नहीं, नागरिक को नहीं, इलेक्शन कमीशन को इसका ध्यान देना चाहिए. और इलेक्शन कमीशन को खुद कहना चाहिए कि सरकार एक ऐसा कानून लाए कि जो भी पक्ष, चाहे वो सबसे उच्च पद पे क्यों ना बैठा हो, अगर किसी के हक का उल्लंघन होता है और किसी की जिम्मेदारी ठहराई जाती है तो उसकी मिनिमम सजा 3 होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी. और ये कानून पारित होना चाहिए. दूसरी बात यह है कि मत का महत्व इलेक्शन कमीशन को समझना चाहिए. अब इलेक्शन ये सब जो हो रहा है, जो मैंने जिसके उदाहरण दिए हैं, ये तो रोज होता है, तो इलेक्शन कमीशन इसके बारे में क्यों नहीं सोचती, कड़े कदम क्यों नहीं उठाते? ये तो उनके सामने होता है. होता क्या है, वो कहते हैं साहब आप करप्ट प्रैक्टिस में चले जाओ, क्योंकि ये करप्ट प्रैक्टिस भी जवानी मानी जाएगी, किसी को फोर्स करके वोट नहीं देने देना या देने देना, वट एवर इट इज, वो करप्ट प्रैक्टिस भी मानी जाती है. पैसा देके वोट खरीद लो, वो भी करप्ट प्रैक्टिस है. अनड्यू इन्फ्लुएंस करो, वो भी करप्ट प्रैक्टिस है. धर्म के आधार पे कहो कि आप हमारे पक्ष में वोट दो नहीं तो भगवान आपको दंडित करेगा, वो भी करप्ट प्रैक्टिस है. बट करप्ट प्रैक्टिस में होता क्या है कि पिटीशन फाइल करनी पड़ती है, कई लोगों के पास इतने साधन नहीं है, फिर उसकी ट्रायल होता है, वो कई साल बीत जाते हैं, कई बार तो ऐसा होता है कि इलेक्शन निकल जाती है तो फिर भी फैसला नहीं होता. तो ये बातें तो इलेक्शन कमीशन को समझनी चाहिए ना, सोचनी चाहिए. तो एक परमानेंट एक ट्राइब्यूनल होना चाहिए मतदान के 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 समय, कि जो तुरंत इस पे फैसला ले, ठीक है ना. और अगर कोई किसी को रोकता है मत देने के लिए, तो वो भी मैं समझता हूं कि उसका भी सजा होनी चाहिए जो भी ऐसा करता है. तो ये चीजें तो इलेक्शन कमीशन को समझनी चाहिए ना. मैं तो एक नागरिक के आधार पे ये एक आपको मतलब के सुझाव दे रहा हूं. और अगर ऐसा नहीं हुआ तो तभी जो मतदान होगा वो पोल्यूटेड होगा. मतगणना के लिए भी आपने सुझाव दिया है पॉलिटिकल पार्टियों को, वो क्या है? वो सुझाव ये है कि देखिए, जो पोस्टल बैलेट है हमारा, पोस्टल बैलेट जो हमारा, वो धारा 54A कॉन्डक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961 के अंतर्गत पोस्टल बैलेट्स की गिनती शुरू हो जानी चाहिए पहले, इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स. और पहले होती थी, पहले मशीन की गणना से गिनती से पहले ही पोस्टल बैलेट की गिनती शुरुआत हो जाती थी. और 2019 के गाइडलाइंस हैं इलेक्शन कमीशन की, जिसमें यह लिखित है कि पेनल्टीमेट राउंड से पहले पूरी गिनती हो जानी चाहिए पोस्टल बैलेट की. हाँ, ये 2019 का प्रावधान है, मैं उसको दिखा भी सकता हूं, आपको पढ़ भी सकता हूं. ये कहता यह है कि द पेनल्टीमेट वन बिफोर द लास्ट राउंड ऑफ काउंटिंग ऑफ वोट्स रिकॉर्डेड इन ईवीएम शैल नॉट कमेंस टिल द काउंटिंग ऑफ पोस्टल बैलेट इज कम्प्लीटेड इन ऑल रिस्पेक्ट. अब इन्हें प्रावधान चेंज कर दिया. अब इन्होंने 2023 में इंस्ट्रक्शन दे दी, और वो इंस्ट्रक्शन ये है कि ईवीएम काउंटिंग कैन गो ऑन इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेज ऑफ पोस्टल बैलेट काउंटिंग. तो इसका मतलब ये हुआ कि ईवीएम काउंटिंग खत्म हो गई और पोस्टल बैलेट की गिनती है वो बाद में बताएंगे. उसमें धांधलेबाजी अक्सर होती है, हम भी जानते हैं. बिहार में तो आरोप लगता था कि भाई आखिर में आपने चुनाव का रिजल्ट ही बदल दिया.
तो ये पहले तो इन्होंने बदलाव क्यों किया, इसी इलेक्शन कमीशन ने किया, ये बताएं जनता को आकर बताएं ये बदलाव क्यों किया इन्होंने। दूसरी बात यह है कि जो पोस्टल बैलेट की जो नंबर्स हैं वो बहुत बढ़ चुके हैं, इसलिए बढ़े हैं कि पहले हर असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में लगभग 1000 पोस्टल बैलेट वोट होते थे। उसके बाद क्या हुआ है कि क्योंकि 85 साल के जो वृद्ध लोग हैं उनको भी हक दे दिया गया पोस्टल बैलेट का, और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं उनको भी हक दे दिया गया है। तो ये जो 1000 की गिनती है पोस्टल बैलेट की हर असेंबली की, वो 4 से 5 हजार है, विच इज 4 to 5% ऑफ द टोटल वोट्स कास्ट। आई एम गिविंग यू जस्ट ए रैंडम परसेंटेज, इट कुड डिफर फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, हर प्रदेश में अलग भी हो सकता है। तो 4-5% अगर पोस्टल बैलेट की के मत हैं तो चुनाव के रिजल्ट ही बदल सकते हो आप।